तो दोस्तों ये है बोल्ट ऑडियो ईयरबड्स X50 ईयरबड्स और यह है इसकी बॉक्स की फ्रंट साइड की पैकिंग। तो यहाँ हमें बोल्ट ऑडियो का ब्रांडिंग एंड X50 मॉडल नेम का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है। और यह है बॉक्स की राइट साइड की पैकिंग। तो यहाँ पे हमें इस ईयरबड और इसके चार्जिंग केस का जो लुक और डिज़ाइन है वो देखने को मिलते हैं। एंड यह है बॉक्स की लेफ्ट साइड की पैकिंग और यह है बॉक्स की ऊपर साइड की पैकिंग। तो यहाँ पर हमें इसके फीचर्स वगैरह कुछ मैंसन किया गया है। एंड यह है बॉक्स की बैक साइड की पैकिंग। तो यहाँ पर हमें इस ईयरबड के जो स्पेसिफिकेशन फीचर्स है उसे मेंशन किया गया। साथ ही मैं आप सबको यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चर डिटेल और एमआरपी वगैरह भी मेंशन किया गया। तो गाइस अब हम बिना टाइम को वेस्ट किए इस बॉक्स को कर लेते हैं ओपन और चेकआउट करते हैं कि इस बॉक्स में से हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सबको यहाँ पे यूज़र मैनुअल एंड कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप सबको सिलिकन के एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिल जाते हैं। उसके बाद आप सबको यहाँ पे USB टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाता है और मिल जाते हैं आप सबको बोल्ट ऑडियो ईयरबड्स X50 ईयरबड्स। तो गाइस इस बॉक्स में सिर्फ यही सारी चीज़ें आप सबको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये है इसका चार्जिंग केस और यहाँ ऊपर में आप सबको बोल्ट ऑडियो का जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाते हैं। यानी जो चार्जिंग केस है फुली मैट फिनिशिंग के साथ में आता है और ये फ्रंट साइड में आप सबको यहाँ पे LED लाइट इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके पीछे की साइड देखोगे तो यहाँ पर आप सबको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है जिससे हम इस चार्जिंग केस को चार्ज करना होगा। और नीचे की साइड में देखो तो ये बिल्कुल प्लेन मैट फिनिशिंग में ही देखने को मिलता है। और यह है इसका चार्जिंग केस का इंटरनल लुक। तो यहाँ अंदर में आप सबको ग्रे कलर देखने को मिल जाता है, यानी कि ये जो कलर है आप सबको ब्लैक एंड ग्रे कलर का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक आप सबको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे चार्जिंग केस की जो बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो गाइस यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये है बोल्ट ऑडियो ईयरबड्स X50 ईयरबड्स और यह है इसका फ्रंट साइड का लुक और डिज़ाइन और यह है इसका बैक साइड का लुक। तो ये भी आप सबको बैक से ग्रे कलर एंड फ्रंट से ब्लैक कलर, यानी कि ये भी आप सबको ब्लैक एंड ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के साथ में आता है। और अगर हम इसके लुक और डिज़ाइन की बात की जाए तो यहाँ सेंटर में आप सबको टच कंट्रोल पे बोल्ट ऑडियो का जो ब्रांडिंग है वो आप सबको देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे जो सर्कल है वो इसके लुक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। और इसमें अगर हम पीछे की साइड देखेंगे तो इसमें आप सबको इन ईयर टिप्स मिल जाते हैं जिसे आप सिलिकन के ईयर टिप्स होते हैं जिसे आप अपने ईयर साइज़ के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप सबको चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिल जाते हैं, LED लाइट इंडिकेशन भी देखने को मिल जाते हैं। एंड इस ईयरबड में आप सबको टच कंट्रोल मिलता है तो इसे आप जस्ट टच करने से इसके म्यूज़िक को प्ले पॉज कर सकते हो, कॉल को रिसीव और रिजेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर टच कंट्रोल इसका काफ़ी स्मूथनेस के साथ में वर्क करता है। तो दोस्तों अब हम बोल्ट ऑडियो ईयरबड्स X50 ईयरबड्स के स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात की जाए तो गाइस इसमें आप सबको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट मिल जाते हैं। एंड इसमें आप सबको गेमिंग मोड मिलता है जिसका लेटेंसी 45 ms मिल जाते हैं। एंड इसमें आप सबको कॉलिंग के लिए क्वाड माइक और ENC टेक्नोलॉजी मिल जाते हैं। और अगर हम इसमें देखा जाए तो IPX5 का स्प्लैश प्रूफ प्रोटेक्शन भी मिल जाते हैं, टच कंट्रोल मिल जाते हैं, वॉइस असिस्टेंट मिल जाते हैं। एंड अगर हम बैटरी प्ले टाइम की बात की जाए तो यहाँ पे आपको टोटल 40 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है और साथ में आप सबको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाते हैं। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा होने वाला है। तो गाइस पर्सनली मैं इसको 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, इसका जो साउंड क्वालिटी है प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है, आप सब इसको बाई कर सकते हो। तो गाइस आप सबको बोल्ट ऑडियो ईयरबड्स X50 ईयरबड्स कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप सबको इससे ईयरबड्स से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबको रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।